इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय सात। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय सात। जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा और बलियों को भस्म किया, और यहोवा का तेज भवन में भर गया, और याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। और जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब सब इस्राएली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया, और यो कहकर यहोवा का धन्यवाद किया कि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। तब सब प्रजा समेत राजा ने यहोवा को बलि चढ़ाया, और राजा सुलेमान ने 22,000 बैल और 120,000 भेड़ बकरियां चढ़ाई। यो पूरी प्रजा समेत राजा ने यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की, और याजक अपना अपना कार्य करने को खड़े रहे, और लेवीय भी यहोवा के गीत के गाने के लिए बाजे लिए हुए खड़े थे, जिन्हें दाऊद राजा ने यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करने को बनाकर उनके द्वारा स्तुति कराई थी। और इनके सामने याजक लोग तुरहिया बजाते रहे और सब इस्राएली खड़े रहे। फिर सुलेमान ने यहोवा के भवन के सामने आंगन के बीच एक स्थान पवित्र करके होमबलि और मेलबलियों की चर्बी वही चढ़ाई, क्योंकि सुलेमान की बनाई हुई पीतल की वेदी होमबलि और अन्नबलि और चर्बी के लिए छोटी थी। उसी समय सुलेमान ने और उसके संग हमात की घाटी से लेकर मिस्र के नाले तक के सारे इस्राएल की एक बहुत बड़ी सभा ने 7 दिन तक पर्व को माना, और 8वें दिन को उन्होंने महासभा की। उन्होंने वेदी की प्रतिष्ठा 7 दिन की और पर्वों को भी 7 दिन माना। निदान 7वें महीने के 23वें दिन को उसने प्रजा के लोगों को विदा किया कि वे अपने अपने डेरे को जाए, और वे उस भलाई के कारण जो यहोवा ने दाऊद और सुलेमान और अपनी प्रजा इस्राएल पर की थी आनंदित थे। यो सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका, और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा, उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, वह टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दू, वह अपनी प्रजा में मरी फैलाओ, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को जो कत्यो कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, और अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहेंगी। और यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई अपने को मेरे सन्मुख जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा, जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद के साथ वाचा बांधी थी कि तेरे कुल में इस्राएल पर प्रभुता करने वाला सदा बना रहेगा। परंतु यदि तुम लोग फिरो और मेरी विधियों और आज्ञाओं को जो मैंने तुमको दी है त्यागो और जाकर पराये देवताओं की उपासना करो और उन्हें दंडवत करो, तो मैं उनको अपने देश में से जो मैंने उनको दिया है जड़ से उखाड़ूंगा, और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से दूर करूंगा, और ऐसा करूंगा कि देश देश के लोगों के बीच उसकी उपमा और नामधराई चलेगी, और यह भवन जो इतना विशाल है उसके पास से आने जाने वाले चकित होकर पूछेंगे कि यहोवा ने इस देश और इस भवन से ऐसा क्यों किया है। तब लोग कहेंगे कि उन लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को जो उनको मिस्र देश से निकाल लाया था त्याग कर
पराये देवताओं को ग्रहण किया और उन्हें दंडवत की और उनकी उपासना की। इस कारण उसने यह सब विपत्ति उन पर डाली है।